सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। वृंदावन में थे ना, लास्ट व्लॉग देखा था, तो वृंदावन से हम आ चुके हैं नोएडा सिटी सेंटर में। अभी घर वालों को यहाँ पे उतारा अंदर मैंने कार से, और कार बाहर लगा के आया हूँ क्योंकि यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है। मतलब जिनकी है उनकी लगी हुई है, यहाँ पे अंदर पार्किंग जगह है लेकिन जिनकी है उनकी लगी हुई है, मतलब जिनके यहाँ फ्लैट है। तो मैं बाहर लगा के आया हूँ पार्किंग में, और मेरी फैमिली ऊपर चली गई है, यहाँ बड़े मामा के पास आए हैं, याद है ना। पहले कल गए थे हम छोटे मामा के पास जो कि द्वारका मोड़ में है, फिर उसके बाद हम गए सुभाष नगर में उससे बड़े मामा के पास, अब मैं सबसे बड़े मामा के पास नोएडा सिटी सेंटर में। अभी यार मैं पहले आया था बहुत यहाँ पे, मेरे को याद नहीं, थर्ड फ्लोर था, यहाँ से था या वहाँ से, आई डोंट नो। भैया कहते तो कार को बाहर पार्क लगा गया, यहाँ पे खड़, मैं आता हूँ उधर को लेने। अब भैया आ रहेंगे, कब आएंगे, गर्मी है यार यहाँ पे। तो थैंक गॉड ट्रैफिक इतना मिला नहीं, लेकिन भाई जो यहाँ से एक नया रास्ता खुला है, एक यमुना एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, जो कि सिर्फ सीधा बॉम्बे तक जाता है। भाई क्या खतरनाक हाईवे है, इतना अच्छा, इतना सुंदर, पूरा का पूरा एंड क्लीन है, और गाड़ियाँ भी आपको नहीं मिलेगी वहाँ पे, गिनी चुनी। आप जब चला रहे हो ना, आपको सिर्फ दो तीन कार दिखेगी इधर इधर इधर, बस नथिंग एल्स ब्रो। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत बढ़िया हाईवे है। सीधा आप 120-130 आराम से चला सकते हो, चलाने को 150 भी चला सकते हो, लेकिन वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, अगर आपने 150-120 से ऊपर चलाया तो आपका जो चलान है वो फिर आ जाएगा घर पे। तो भैया आ गए, तो भाई हाईवे सच में खतरनाक है, उससे ही वापस आए, उससे भी गए थे हम। यस भैया, अच्छा ठीक है, थर्ड फ्लोर था ना, सिक्स। कर दिया स्टार्ट। वैसे एक्चुअली हम ऊपर गए थे तो भाभी ने हमारे लिए राजमा चावल बनाए थे, पनीर बनाया, सब कुछ खा गए, पर नीचे आ गए, हम जा रहे हैं वापस घर के लिए। तो ये हमारे मम्मी के भाई जी, हमारे सबसे बड़े मामा जी। मामा कुछ कहो ना आप, पास हो भैया। मामा यू वांट टू से समथिंग? नहीं मामा, कुछ तो कहो यार, मामा कुछ तो कहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर द विजिट। सबसे बड़े भैया, बड़े भैया हमारे कमल भैया, जो हमारे सारे लोग देखते हैं, बिग फॉलोअर, बिग फॉलोअर, बिग फैन, बिग फैन। अभी यू वांट टू से समथिंग? फ्यूचर फॉलोअर। अभी यू वांट टू से समथिंग? Future for Abhi, Abhi say, oh, I love you. Abhi say all the best. All the best. All the best. Abhi, Abhi, Abhi say like, share, subscribe. Say like, share, subscribe. एक बार यहाँ पे देखते हुए, इधर देखते हुए, हाँ फिर से बोलो, लाइक, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, 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 क्या फटाफट बोला है मेरा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब, नाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय भैया, बाय, हैव फन, सेफ ड्राइव, एंजॉय लाइफ। नए व्लॉग आने वाले हैं तो भाई निकल गए नोएडा सिटी सेंटर से, अब सीधा गाड़ी रुकेगी अपने घर को, 4-5 घंटे की ड्राइव के बाद, 5-6 नहीं, 4-5। बैटरी लगाओ बेटा, बैट लगाता हूँ, ये डिपेंड करता है ना बंदा कितने की स्पीड पे चलाता है। यहाँ पे कई जगह कैमरे लगे हैं तो वहाँ चला सकते नहीं तेज, है ना। हाँ वीर क्यूट है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोल रहा था, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ बड़े मामा से मिलवा दे, जो कि काफी चाहिए है ना, अभी बड़े मामा बोलते नहीं है कहीं पे, पक्का ये वाला लोग बड़े मामा को दिखाएंगे, देखना दीपक भी कमल भी दिखाएंगे, देखना वो भी बोलेंगे हमारे बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे मामा ये है, मामा सच में अच्छे हैं, मामा ने इतना बोला, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मामा मानेंगे कि ब्लॉग में आना, लेकिन मामा आ गए ब्लॉग में, और पप्पू मामा भी स्पेशली। जितना ट्रैफिक हमें पूरे रोड पे नहीं मिला, उतना ट्रैफिक हमें इस टोल पे मिल गया। हम आए गाजियाबाद वाली रोड पे और सारा ट्रैफिक टोल पे जमा हो रखा है। कमल भी आप जो रोड कह रहे थे कि जिस रोड पे हमें जाना चाहिए गाजियाबाद वाला, ये वही रोड है, क्या नाम था अभी उसका, ईस्टर्न पेरीफ्री, कुछ ऐसा करके हाईवे है, ये भी जो आप कह रहे थे उसी हाईवे से ही है। हमें मैप ने रोड दिखा दिया, लेकिन रोड पे बिल्कुल कम रास्ता, सिर्फ 4-5 गाड़ी दिख रही थी इधर इधर उधर, और हमें पता नहीं था कि यहाँ पे सारे गाड़ियां इकट्ठी मिल जाएंगी टोल पे। कब से खड़े हैं यहाँ पे, वो जो इधर था वो भी पीछे आ गया भैया। हम ओवली लाइन में थे, हम येवली लाइन में आ गए हैं, पता नहीं उस वहाँ कोई इशू है गाड़ी में, आगे वो चल नहीं रही तो अपन इस लाइन में आ गए। ये देखो बीच में घुसा आया स्कॉर्पियो वाला, स्कॉर्पियो है ना तभी घुसा आया। और सारी लाइटें जलाओ, अरे दादी आ गई मेरी दादी,
दादी चरण चरण गाय आपके चरण जल्दी जल्दी आ गए देखो गड्डी तेज चला के आऊं ताकि आगे पहुंच जाऊं। क्या हाल है? पता कितनी तेज बारिश हो रही है वहां पे, यहाँ बारिश ही नहीं है, इतनी तेज बारिश हो रही है। ये भाई हम गाड़ी में थे तो फटाफट से आ रहे थे तो मैंने बुआ कर फोन कर दिया कि ये बना के रखो मेरे लिए, मेरा काफी दिल कर रहा है खाने का। और स्पेशली फूफा जी आ गए हैं सिले से। कहा है फूफा जी? उसको गाना म्यूट करे, कॉपीराइट आ जाएगा, फटाफट जल्दी गाना म्यूट करो। हाँ खोल दिया। फूफा जी कहाँ हो आप? तो यहाँ बैठे हमारे फूफा जी आ गए ऑस्ट्रेलिया से। कैसे था ऑस्ट्रेलिया? I just come at the moment from India. Yeah. I am so tired. Okay. I am not able to talk with you, but but you are talking because of you. I am talking in sake of you. Thank you so much. I am talking with you. So we are camping. I am so tired because flight is too long. Australia. Too long. और सारे वेट कर रहे हैं आपको मिलने के लिए। दिल्ली से कहा सीधा यहीं पे लेके आया फूफा जी के लिए। हेलो गाइस, ये दूरियां यार, वापस घर आके दिल नहीं लग रहा है। आप दोबारा चलो वृंदावन, मैं चला जाऊंगा देखना फिर। मैं तो 4 दिन का मेहमान हूँ आपके घर में, फिर चला जाऊंगा। मैं 4 दिन का मेहमान हूँ फिर चला जाऊंगा। क्या करोगे आप मेरे को? रोक सकते हो तो रोक लो, रोक के दिखाओ मेरे को। मैं डसा वाला सीधा था रविंदर। इतने दिनों बाद देख रहा हूँ ये वाली गलियां मैं। 15 दिन पहाड़ों पे हो गए, 5 दिन वहाँ दिल्ली वृंदावन हो गए, बाकी अब फिर हफ्ते बाद दोबारा चला जाऊंगा। तो भाई आ चुके हैं घर पे अपने शहर में, चाबी ले रहे हैं चाचू से। चाचू के पास घर की चाबी थी, फिर चाबी खोल के घर के अंदर प्रवेश करेंगे हम और फिर देखते हैं कितने दिनों के बाद घर से बाहर निकलेंगे हम। ठीक है, सुबह मिलते हैं आपको आराम से। बहुत नींद आ रही है, आँखों में दर्द हो रहा है। आँखों को चैन मिलेगा तो ही सुबह आपसे बात हो जा पाएगी। और बस फिर सुबह मिलते हैं आपसे, ठीक है। आँखों को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। सारा टाइम गाड़ी मैंने चलाई है, जब गया था गाड़ी मैंने चलाई, वृंदावन गया गाड़ी मैंने चलाई, आया हूँ गाड़ी मैंने चलाई। ड्राइवर हूँ ना मैं घर का और छोटा साहब ज़्यादा। दादी भी आ गई हमारे घर पे। हाय, थक गई हो? अब सभी आराम से सोएंगे। फोन को चार्ज लगाता हूँ, 1% बैटरी की बंद ना हो जाए।